क्या आपको लगता है यही अप्रोच होना चाहिए इंडिया नेक्स्ट का कि हम भारत को आगे कैसे बढ़ाएं? जैसे आप कह रहे थे कि बहुत नेगेटिव पॉलिटिक्स होती है, आप भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहेंगे। क्या आपको लगता है सकारात्मक राजनीति के बजाय नकारात्मक राजनीति होती है हमारे देश में? आई थिंक बहुत हो रही है, और सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। 2014 में भी था, लेकिन 19 में पेनिट्रेशन कहीं ज़्यादा है। तो स्पेशली जो यूथ है वो जब पॉलिटिक्स को देखता है यार ये तो पॉलिटिक्स मतलब एक दूसरे को गाली गलौज करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि टाइम भी बहुत फास्ट बदल रहा है, तो जो यूथ है उसको जैसे कहते हैं अभी जॉब्स की प्रॉब्लम है, तो वो पिछले 5 साल में जितनी फास्ट चीज़ें बदली हैं, जो स्किल्स जिन पे नौकरी लगती है, जिन स्किल्स पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, सोशल मीडिया, दोस काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ की जॉब जो पहले थी नहीं, अब सडनली वो स्किल्स डिमांड में है। तो यूथ को अपने आप को फटाफट वो स्किल्स ऐड करने हैं। ये नहीं कि ट्विटर पे बैठ के मोदी को गालियाँ दो, राहुल को गालियाँ दो, ये मेरा लीडर सही है, तेरा लीडर सही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सीख लोगे शायद आपकी जॉब लग जाएगी। और ये भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि चाहे कोई जीत जाए, मोदी जी जीत जाएँ या राहुल जी जीत जाएँ, 3 महीने बाद आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आने वाला। वो आपको खुद ही करना है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।